तुझको बना लूं मैं अपना खुदा, सजदे तेरे कर सकूं, मांगूं दुआ साथ होने की तेरे, कांधे पे सर रख सकूं, धागा एक बांधू तुझको मन्नत बना लूं, कागज पे दिल के तेरी सूरत बना लूं, छूटे कभी ना वो आदत बना लूं, हाशत बना लूं तुझे। वैसे यार गिनी मतलब लगता नहीं है ना हमें मिले हुए सिर्फ एक साल हुआ है अभी। कैसे लगेगा, तो इतना प्यार जो कहता है मुझे। वैसे तुझसे ज्यादा प्यार ना मुझे कोई नहीं कर सकता। हाँ तो तुझसे भी ज्यादा प्यार मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। वैसे ना मम्मी ने तुझे घर पे बुलाया है। कब? कल। क्यों, कोई काम है क्या? नहीं नहीं, कह रही थी कि काफी टाइम हो गया तुझे देखे हुए, तो बस मिलने के लिए बोल रही थी। चल ठीक है, कल चलते हैं। अरे मेरी मम्मी का कॉल आ गया। ले मैं बात करूं। अरे अरे दिखा ना। हाँ जी आंटी नमस्ते, कैसे हैं? आजम बात कर रहा हूँ। हाँ आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नहीं नहीं आंटी, बस लड़ती रहती है मुझसे। हाँ बहुत लड़ती है। नहीं नहीं बाकी सब ठीक है, बस ये लड़ती है, सब समझाओ कुछ। हाँ लीजिए बात कीजिए। हाँ जी मम्मी, आप भी कैसे पागल की बातों में आ रहे हो, आपको पता ही है ना यही लड़ता है मुझसे हमेशा। चलो ठीक है मैं घर आती हूँ। ओके मम्मी बाय। वैसे गिनी मुझे एक बात बता। हाँ जी। मतलब मेरे घर पे पता है कि हमारा रिश्ता क्या है, तू कौन है मेरी, लेकिन तेरे घर पे सिर्फ इतना पता है कि हम दोस्त हैं। क्यों? तुझे तो पता ही है ना आजम, पापा की वजह से। चल कोई नहीं, चल वैसे मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने चलते हैं। कुछ खाएगी? हाँ तुझे खाऊंगी। यार टाइम मजाक मत करा कर, चल ना मेरे को भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। अच्छा वैसे गिनी एक बात बता, अगर हमें कभी अलग होना पड़ा तो वहम टूट जाएगा। किस बात का वहम? तेरे अपने होने का। और कभी तुम मुझसे दूर हो गई तो? मैं कभी नहीं हो सकती। और जिस दिन तेरे पापा को पता चलेगा तब क्या होगा? चल परेशान ना हो, लेकिन ना समझ नहीं आता उस टाइम पे होगा क्या। इधर उठा रहा हूँ, कहाँ है तो पिछले एक महीने से ना तो मेरा फोन उठा रहा है ना मुझसे ढंग से बात कर रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे अभी मिलना है तुझसे। तुझे हुआ क्या है? मुझे क्या होगा? तुझे पता है ना तू ना ही मुझसे ढंग से बात कर रहा है ना मुझसे मिलने आ रहा है, आज पूरे एक महीने बाद हम मिल रहे हैं। अरे यार गिन्नी कोई बात नहीं यार, मैं ना काम में बिजी हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पक्का कोई और बात नहीं है? हाँ यार। कॉल थी वो बोल रहा है यार सुबह से एक बंदा परेशान कर रहा है, सर क्रेडिट कार्ड ले लो क्रेडिट कार्ड ले लो, बार बार वही फोन कर रहा है। हाँ तो तू बताएगा कि तू अच्छे ढंग से बात क्यों नहीं कर रहा है? यार किन्नी मैंने बता दिया यार मैं बिजी हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने इससे बात करके ही आता हूँ, एक सेकंड गिन। हेलो हेलो यार बेबी, मैं तेरे को बता के आया हूँ ना कि मैं क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, फिर भी बार बार कॉल कर रही है, वही कॉल मत कर यार, थोड़ी देर में आता हूँ मिलने। जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया, सोनी सोनी आँखों को गम। हाँ तो बता क्या बोल रही। अरे यार गिन्नी बोलना यार, मैं काम छोड़ के आया हूँ प्लीज। चल ठीक है मैं दो मिनट में आ रहा हूँ वॉशरूम से, ठीक है? सोनी सोनी आँखों को गम कोई दे गया, आस जो लगाई है आँख भर।
ये कहाँ चली गई? हेलो, खुश है ना तू? मतलब तोड़ दिया ना तूने मेरा वहम। वहम? कहना क्या चाहती है तू? जो मैं कहना चाहती हूँ ना, तू बहुत अच्छे से जानता है आजम। देख मेरी बात सुन। तू मेरी बात सुन, तुझे क्या लगता है तूने मेरा दिल तोड़ के क्या तू खुश रह पाएगा? तू कभी खुश नहीं रह सकता आजम, कभी खुश नहीं रह सकता। क्या बकवास कर रही है तू? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मुझे तुझसे अभी मिलना है। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ बोल, क्या बकवास कर रही थी? तू इतना गंदा इंसान है, तू जैसा इंसान मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, और अभी भी तू ड्रामे ही कर रहा है। ये मायरा कौन है? मायरा? तू मायरा को कैसे जानती है? क्यों, मैं जान नहीं सकती। तुझे क्या लगता है तू कुछ भी करेगा और मुझे पता तक नहीं लगेगा? I just hate you, आजम। चल ठीक है, अगर तुझे पता ही लग गया तो ठीक है, आज के बाद जो भी तेरे मेरे बीच में था ना, सब खत्म। जैसे तूने मुझे रुलाया ना, एक दिन तू भी रोएगा और तब तुझे पता लगेगा कि तूने मेरे साथ करा क्या है। इस थप्पड़ का जवाब ना मैं भी बहुत अच्छी तरीके से दे सकता हूँ, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, चली जाए यहाँ से। क्या करेगा, क्या करेगा, मारेगा ही ना, तेरी यही औकात है। जब तुझे यही सब करना था तो मेरी लाइफ में आया क्यों? अब तू ना लिमिट क्रॉस कर रही है। देख जो भी तेरे मेरे बीच में था ना, सब खत्म हो गया है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, एंड यू जस्ट गो टू हेल। मेरी बद्दुआएं तुझे, तू भी रोएगा। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा। जैसे तूने मुझे रुलाया ना, तू भी रोएगा आजम, एक दिन तब तुझे पता लगेगा तूने मेरे साथ क्या किया है। तूने सही कहा था यार, मैं तेरे बगैर खुश नहीं रह सकता, शायद तेरी बद्दुआ लग गई। अबे क्यों रोता रहता यार तू उसकी फोटो को देखकर? तूने इसे छोड़ा था ना, अब मूव ऑन कर ले। वरुण यार चल छोड़ तू। अबे मेरे भाई एक अच्छी सी लड़की देख, उससे बात कर, मूव ऑन कर, बात खत्म। वरुण भाई प्यार ना सिर्फ एक ही बार होता है। अबे ये बात तू बोल रहा है, चल मैं भी देखता हूँ कि कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो तू क्या करता है। प्यार एक बार होता है या बार बार? चलता हूँ। हेलो, अननोन नंबर से व्हाट्सएप। हाँ जी कौन? मेरा नाम सुरभि है। सॉरी मैंने पहचाना नहीं। हाँ आप मुझे नहीं जानते, बट मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी इंस्टाग्राम पर, मुझे काफी अच्छी लगी तो मैसेज कर दिया। ओके, बट नंबर कहाँ से मिला? वो आपका और मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, उससे लिया। मैं आई आस्क कौन? वरुण। हाँ जी क्यों, मैसेज करके गलती कर दी क्या? नहीं वो कभी ऐसे मैसेज आया नहीं ना किसी का इंस्टा से डार्क व्हाट्सएप पर। ओ तो आगे से ना करूं?
नहीं बट चलो ठीक है, नहीं करती मैसेज। बुरा मत मानना यार, बट मुझसे ऐसे बात नहीं होगी। ओके बाय आजम। ये वरुण भी ना, मेरा नंबर इसे तूने दिया था? अबे यहाँ बहुत पोस्ट कर रही थी। हाँ तो बोल देता ना, इंस्टा पे बात कर लो। अरे यार मैं देख, उसने तेरे को मैसेज कर रखे थे, अब तू देखे तब ना। तो इसका मतलब तू मेरा नंबर दे देगा? भाई मैं बोल तो रहा यार, बहुत फोर्स कर रही थी, मैं क्या करता। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, मतलब आज से पहले तो मैंने, तूने मुझे कभी किसी के बारे में बताया नहीं ना, मैंने किसी लड़की के साथ तो ये देखा, एकदम से आ गई है। देख इसने मैं पहले मुझे मैसेज कर रखे थे तो मैंने भाई बात करी, लेकिन जब इसने तेरा नाम लिया तो फिर मैंने सोचा मैं इग्नोर करता हूँ। मैंने इसे बहुत इग्नोर किया भाई, फिर भाई ये बच्चों की तरह जिद करने लग गई, भाई बात करा दो बात करा दो। अब इतनी प्यारी लड़की यार रिक्वेस्ट करेगी तो मैंने बात करा दी। प्यारी एक बार ना उसकी शक्ल देख, खो जाएगा। चलता हूँ मैं। अच्छा सुन, आईडी क्या बताई थी तूने? तेरे को मैसेज भी कर रखा है, आई एम सुरभि पलारिया। सॉरी, मुझे पता है कि मैंने मना किया था कि मैं मैसेज नहीं करूंगी, लेकिन बस एक बार बात कर लो, उसके बाद मैं पक्का नहीं करूंगी। दिखने में तो बड़े मासूम लगते हो, लेकिन इतना एटीट्यूड, मैसेज सीन करके नो रिप्लाई। कॉल उठा लो और हेलो बोल देना, फिर चाहे फोन कट कर देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। Oh my God! हेलो, हेलो। ओह सॉरी सॉरी, मुझे एक सेकंड दो, वो मुझसे ना कुछ बोला नहीं जा रहा। वो ना मैं एक्चुअली थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं। वैसे क्या हूं मैं, मतलब आई मीन क्या हूं मैं, कुछ भी तो नहीं, मतलब मुझसे बात करने के लिए इतने एक्साइटेड। अरे नहीं यार, आप तो बहुत प्यारे हो। को नहीं पता, आप ना सच में बहुत ज्यादा प्यारे हो। बाय फेस तो आप बहुत प्यारे हो, आई मीन मैं तो कुछ भी नहीं हूं आपके सामने, फिर भी मुझसे बात करने के लिए इतने एक्साइटेड। मुझे नहीं पता, जब से मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है ना, मुझे बस ये था कि मेरी आपसे एक बार बात हो जाए, तो मैंने आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड को ढूंढा, उसे मैसेज किया, फिर आपका कॉन्टेक्ट लिया, अब देखो हमारी बात हो रही है। आपकी बातें अच्छी है, है ना, सब यही बोलते हैं, पर मुझे आपसे बात करनी है। वैसे आपने तो बोला था कि हेलो बोल के फोन कट कर देना। हाँ कहा तो था, लेकिन मत करो प्लीज, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, और अभी तो आपने कहा ना कि मेरी बातें बहुत अच्छी हैं। ठीक है। हाँ भाई, हो गई तभी सुरभि से बात। सुरभि से बात तुझे कैसे पता? कुछ नहीं, मेरे पास मैसेज आया था, थैंक यू बोल रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी बात हो गई इससे। तो यार अजीब पागल लड़की है, मतलब खुद इतनी प्यारी है और मुझसे बात करने के लिए मरे जा रही थी। तो बात तो तू सही कर रहा है, प्यारी तो बहुत है, मुझे लगा शायद मेरे लिए है, लेकिन बात ही देखी है। अबे नहीं यार, आप कोई नहीं, ये फर्क क्या मैं पहले तो देखिए न्यू जोड़ा, उसके बाद एक नई लड़की आई थी, उसके बाद थी और मैं मिलती। जब पूरी सच्चाई ना पता हुआ करे ना वरुण, तो नहीं बोलना चाहिए। अभी क्या सच्चाई सच्चाई करता रहता तू, चल मुझे आज वो सच्चाई बता। चल छोड़, बाकी थैंक यू यार, तेरी वजह से सुरभि से बात है, एक अच्छी दोस्ती जरूरत थी,
शिकायत पूरी हो गई। थैंक यू। देख वो आप थैंक यू बोल रही है, देख लीजिए आप थैंक यू बोल रहे हैं, सभी क्या रहे हैं सर ते चढ़ाया जिवें माड़ी सरकार पर करदे आ प्यार फायदा कील कौन तो कह भी नहीं सकदा दिला एको गल दा गिला मैं डरा तेरी यारी कौन तो रोज रोज मिलने नू जी करे दस दिल की करे बहुत होइयां गल्लां फोन तो रोज रोज मिलने नू जी करे दस दिल की करे बहुत होइयां गल्लां फोन तो इंज लगे खोरे किन्ने हो गए ने साल भावे टप्पे आया भी के एक होर नी एक बारी आके सीना चीर के विखा दियां जे आख दियां दिल विच चोर नी ओपन ते छड़ दवे मैसेज तू मेरे जज्बातां उते कर दी ना गौर नी अज तक उच्ची नी वी किसे दी ना सुनी गल्लां तेरे अगे चलदा ना जोर नी। अच्छा बताओ तुम दिल्ली कब आओगी? बहुत जल्द। हम कब से ऐसी बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हें सिर्फ वीडियो कॉल पे देखा है, मुझे तुमसे मिलना है यार। अरे ठीक है ना बाबा, आ जाऊंगी जल्दी। ओके वैसे अभी कहाँ पे हो? इश्क की साजिश, इश्क की क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया? फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया? सारी दुनिया से जीत के तुम सच में बहुत प्यारे हो। तुम भी। बहुत टाइम लगा दिया ना आने में। हाँ लेकिन अगर मैं पहले आ जाती तो ये जो चेहरे पे खुशी है ना ये देखने को नहीं मिलते। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वैसे भी मुझे अब दिल्ली में ही रहना है, कहीं जाऊंगी भी नहीं। चलो सो हे गाइस कैसी लगी वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है कमेंट करके बता दो क्योंकि अभी सुरभि आ गई है, तो आगे क्या होने वाला है वीडियो में, आगे क्या होने वाला है तो कमेंट कर दो। और जिसका कमेंट मतलब राइट स्टोरी होगी उसे मैं इंस्टाग्राम पर शाउट आउट दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट कर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसे प्रेस कर देना ताकि जो आने वाला जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और यार मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, हमारी पूरी टीम को सबका इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो जाके फॉलो करो। बातें करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज़।